आ गए वेन्यू पे। चलो लगता है हम ही लोग सबसे पहले रेडियो के आए सबसे पहले हम ही लोग रेडियो के आए हम ही लोग रुद्र भाई के पास बात मान लिए, कोई नहीं माना उनका बात। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बहुत अच्छा स्टेज लगाया हुआ है। हैप्पी बर्थडे थर्ड शिवांश, 3 साल का हो गया शिवांश। और यहाँ पे और ये वाला, ये हमने सुबह गाना सुन के चला गया। मेरे उसी जल्दी जाता नहीं है मेरी गोद से, लेकिन जान गया बाबा है चले। इधर देखो, इधर देखो। गिफ्ट अभी क्यों लाई? सब अपने को अभी लाना था। कहाँ लाई? कोई तो लाया नहीं है। आप बैठो, बैठो यहाँ। गाड़ी पे बैठते हुए आप कार्तिक भी जो घुमा कह रहे हैं मेरे को भी। ड्राइवर पीरे स्प्राइट मोहितो, 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 यस, स्प्राइट मोहितो। और निशा जी, निशा जी कैसे लग रहे हो आप? हम कैसे लग रहे हैं? मतलब अच्छा लग रहा है। पता नहीं हम कैसे लग रहे हैं, हमको तो नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमको करवाते नहीं है ना मेकअप, आदत नहीं। ओहो हो हो, जो मेकअप नहीं करवाते ना वही अच्छे लगते हैं, याद रखना। क्योंकि नॉर्मल लोग चेहरा देख देख के ना अचानक से चेहरा बदला देखते ना, ओह माय गॉड क्या हो गया ये, क्या भूत नहीं बताओ। तारीफ हो गई मिस्टी की, माय गॉड। ये आईलाइनर कितना फैन उस दिन भी। ओए होए होए चिकने हो गए भाई, बाथरूम में पड़ी थी कर ली मैंने भाई। नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे हो गया यार, हल्का हल्का रख लेते। अरे नहीं अच्छा लग रहा है। हाय मिस्टर भाई। तो गाइस आज भाभी को भी लेके आए साथ में, फाइनली आज लेके आ गए। हम कल से आए हुए, हम कल से तरस रहे देखने के लिए। तो अच्छी लग रही है भाई, अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है क्या आपको? जैकेट पहन के आया हमारे, मुंह देखो, मुंह देखो पूरा पसीना है ना। अच्छा बहुत ठंडा था, इनका मुंह देखो, इनका नहीं सेक्सी लग रहा भाई। मैं हूं भाई, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है। मोस्ट हैंडसम यूट्यूबर इन इंडिया, आपको टाइटल मिल जाएगा। तो गाइस फोटो सेरेमनी हो चुकी है, सब लोग अपने अपने फोटो खिंचवाने लगे पड़े हैं और मजा आ रहा है। लेकिन पता है ऐसा लग रहा है मैं गर्मी में के मौसम में आया हूँ, गर्मी लग रहा है गाइस, लेकिन अच्छा लग रहा है। कम से कम अपना स्टाइल तो दिखेगा ना कम से कम। और मिस्टी बना रही है कार्तिक का रील, रील दोनों एक को एक साथ खींचा है कि नहीं? तो खींच लिया दोनों का। तो गाइस बाबू का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बोलिए, थैंक यू शिवांश, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू मम्मा, पास मम्मा के पास जाना है मम्मा। और ये हमारे चहेते मिस्टर भाई, तुम ऊपर चढ़ रहे हो, देखो हम नीचे से बना रहे हैं, आप ऊपर चढ़ रहे हो। तो गाइस ये है मिस्टू मिस्टी, मिस्टू मिस्टी, किस्टू किस्टी। आज लगता है सचिन भाई ने खूब चिल्लाया कहीं पे, अरे रात आवाज बैठ गई है पूरी शादी में, कल शादी तिलक तिलक नाच रहे थे पूरा एकदम। शिवांश को अभी से 3 साल की उम्र से स्टार वाली फीलिंग आ रही होगी, इतने सारे पैप्स कैमरा लेके उसके आगे पीछे, आई एम प्रीटी श्योर कि उसे
खाते खाते मजे ले रहे हो। तो थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे आने के लिए। स्पेशली बहुत सारे लोग हैं तो बाकी सारे लोगों से इंट्रोड्यूस आपको मैम करवाएंगी। और बाकी आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, बाबू का बर्थडे है और रामलला का आगमन हो रहा है अयोध्या में, तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तो स्पेशली सबसे पहले ना हम बोलना चाहेंगे कि श्री रामचंद्र की जय। रुद्र भाई के मम्मी पापा का आज एनिवर्सरी है ना। हाँ, हम लोग यहाँ पे फिलहाल कुछ खा लेते हैं, उसके बाद एंजॉय ही करना है हमको, है ना। अभी कहाँ पे हमारे देश में पधारे हैं अयोध्या में और बहुत उत्सुक हैं, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग एक बार जोर से बोलिए तहे दिल से जय श्री राम। सचिन भाई सचिन भाई क्या मैं बोल सकता है, देखिए ऊपर से डिमांड आ रहा है, शायरी बनती है। और चूंकि आज इतना खूबसूरत मौका है, सचिन थर्ड जन्मदिन है शिवांश का, मनीषा आप कुछ बोलना चाहेंगी? हमारा नेता कैसा हो माइक पे, सचिन भाई कैसा हो? इधर का सीन देख के अलग ही मजा आ रहा है। क्या बोलूं, बार बार मेरी यही नजरें आ रही है, क्या करूं? आज है शिवांश का बर्थडे। नहीं नहीं मेरे पास ऑलरेडी है मेरा। आप सभी को पता है कि कितना ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज राम जी का भी दिन है और कॉपीराइट चंगन सारिया चंगा। कोई बुरा नहीं मतलब फ्लड नहीं करो, लेकिन फ्लड करने के लिए हिम्मत चाहिए वो भी स्टेज पे, ठीक है? तो मैं एक शायरी कहता हूँ, जरा गौर से सुनिए सब लोग, ठीक है? पीछे वाले बच्चे, मैं एक शायरी कहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। शायरी हमें आती नहीं, अपने शौहर से सुनिएगा। बोलो सबसे पहले बात तो मुझे खबर में ये है कि बहुत क्या, ठीक है? हाँ। और सबसे ये रहा कि आज का जो तारीख है, हाँ, आज जो तारीख है हमारे भारतवर्ष के लिए, हाँ, भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, 22 जनवरी 2024। आज के दिन में हमारा बाबू सुभाष का बर्थडे पड़ा, उससे बड़ी खुशी दिन क्या हो सकती है? और इसीलिए इसी खुशी में जोर से बोले जय श्री राम, जय श्री राम। बाबू को बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और बाकी मेरे गले में बोले शिवांश बाबू को मेरी ओर से हैप्पी बर्थडे बोल आगे पड़े शिवांश बाबू। और एक चीज, जब मैं घर आया शिवांश बाबू का, मेरे साथ वो कुछ पल मतलब की बिताए, मुझे काफी अच्छा लगा, मेरा कंधा चढ़े, ऐसा फील हुआ कि फल खाए मैं उनसे मिल रहा हूँ। और मेरे साथ गाड़ी वगैरह चलाए काफी, मतलब क्या करो एक हमली समिति के सब्सक्राइबर और अपने ही गोपालगंज से आ रहे हैं।
एक मिनट भाई, अभी देना था, दे देना दे बोले तो है। और जैसा कि आप जा रहे हैं शिवांश का खास बर्थडे, रामलला भी आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस खूबसूरत मौके पे और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, ये भी बताइए। लैंडमार्क होटल में आज इतने सारे स्टार्स एक साथ आए हुए लैंडमार्क, जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं उनको सबसे पहले नमस्कार नमस्कार और दरिया उसके बाद हमारे प्यारे शिवांश को हैप्पी बर्थडे हमारे तरफ से, ठीक है, और बहुत सारा प्यारा समझ गया हमारी तरफ से, बहुत सारा आगे जाए और अपने पापा से भी आगे जाए। वो मतलब हाइट में या किस चीज में, तरक्की में, आप ऐसा हाइट में भी तभी तो किससे गले लगेंगे। विद अ ग्रैंड सब्सक्राइबर बेस ऑफ 361K और हमारी राजधानी दिल्ली से आए हुए हैं क्या बात है।
शिवाज का तीसरा जन्मदिन है, क्या शुभकामनाएं हैं आपकी तरफ से? इंटरनेशनल चीजों पर आपको सुनना चाहिए। थैंक यू, और सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद, और मिस्टर भाई को भी और बाकी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सभी का वार्म वेलकम है। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि श्री राम प्रभु हमारे लिए क्या है, और आज के दिन इतना स्पेशल दिन है कि आज के दिन राम लला विराजमान हुए हैं अपने घर में, उनको घर मिला है, और आज के दिन हमारे नन्हे से बाबू का जन्मदिन है। तो मैं एक लाइन गुनगुनाना चाहूंगा, आप सभी चाहूंगा कि साथ देंगे। चाहूंगा संजीव भाई के बगैर मुझे लग रहा है ये इवेंट नहीं हो पाता, सच में बताऊं तो भाई अल्टीमेट बन रहा है, जबरदस्त।